दिशा में तीव्र गति से विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। शिक्षा हो, उत्तम स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सुरक्षा या कृषि, माननीय मुख्यमंत्री जी सबके कल्याण और सम्मान के लिए पूरी कर्मठता से और दृढ़ता से एक अभिभावक की भांति हमारे साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के व्यक्ति चाहे किसी धर्म, जाति, आयु या वर्ग का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी उनके कल्याण, सम्मान और कुशलता के लिए संकल्पित हैं। ऐसे ही तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री और जनपद के प्रभारी मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, फर्रुखाबाद के लोकप्रिय सांसद श्री मुकेश राजपूत जी, मान्य विधायक फर्रुखाबाद सदर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी, मान्य विधायक भोजपुर श्री नागेंद्र सिंह राठौर जी, मान्य विधायक कायमगंज डॉक्टर सुरभि जी, मान्य विधायक अमृतपुर श्री सुशील कुमार साक्य जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मोनिका यादव जी, विधान परिषद सदस्य श्री प्रांशु दत्त द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रुपेश गुप्ता जी, लोकसभा प्रभारी अजय धाकरे जी, दिनेश कटियार जी, शिव महेश दुबे जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में फर्रुखाबाद के आए हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज माँ गंगा के सानिध्य में बसे हुए फर्रुखाबाद जनपद, जिस जनपद में भगवान बुद्ध ने, तीर्थंकरों ने और बाबा नीम करौली ने अपनी पवित्र साधना से जिस जनपद को धन्य किया है, इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज जहां एक ओर जनपद की 288 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने इस जनपद में लाने के लिए अहर्निश प्रयास किया, उन योजनाओं का सौगात होली के पूर्व आप सबको प्राप्त हो रहा है, वहीं साथ ही साथ आज देश की एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सबसे पहले जमीनी धरातल पर उतारने वाला कोई जनपद, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर एग्रीस्टेक योजना, इस योजना को जमीनी धरातल पर उतारने वाला पहला जनपद, आज किसान क्रेडिट कार्ड की 10 मिनट के अंदर लोन की सुविधा से जुड़ने वाला पहला जनपद देश का फर्रुखाबाद बना है। मैं इसके लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि और प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ और आप सभी अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करके प्रधानमंत्री मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। अब इस योजना के लागू होने से हम सब जानते हैं कि यह योजना जैसे ही लागू होगी, होने के साथ ही एग्रीस्टेक योजना के कारण यहां पर डिजिटली केसीसी की सुविधा अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो जाएगी और इसके लिए चार बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ये सभी सहयोग कर रहे हैं। यहाँ की सफलता के बाद पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर योजना लागू होने जा रही है, क्योंकि पायलट इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से हम लोगों ने पहले चरण में जनपद फर्रुखाबाद को लिया। और फर्रुखाबाद के बारे में जब यहाँ पे चर्चा भी माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी कर रहे थे, तो मुझे याद आ रहा था कि यहाँ के लोग बार बार कहते थे संखिसा धाम का हम सुंदरीकरण का काम कर रहे हैं और संखिसा धाम दिव्य धाम के रूप में प्रस्तुत होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बाबा नीम करौली के धाम के भी सुंदरीकरण की एक कार्य योजना हम लोगों ने प्रस्तुत करने के लिए कहा है और माँ गंगा की अविरल और निर्मल धारा के लिए नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अभियान चल रहा है, इस पर पहले की तुलना में बहुत काम हुआ है। जो बचा है प्रयागराज कुंभ के पहले पहले हम उस काम को भी पूरा करने जा रहे हैं। बहनों भाइयों, यहां पर सांसद जी भी कह रहे थे और हमारे विधायकगण भी कह रहे थे, बार बार कहते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे, और मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, हमारा सर्वे का काम चल रहा है और फर्रुखाबाद होते हुए माँ गंगा को जोड़ते हुए गंगा एक्सप्रेसवे फर्रुखाबाद को जरूर जोड़ेगी। उसके लिए हम लोग अपनी पहले भी कह चुके हैं कि कार्य होना है। फर्रुखाबाद वासियों को इसके लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड से चलती है। जनप्रतिनिधिगण आपकी मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और योजनाओं को आपकी जमीनी धरातल पर लेकर के आएंगे। 100 किलोमीटर का हम सर्वे का कार्य पूरा कर चुके हैं हम लोग, इसको गंगा एक्सप्रेसवे से लेकर के और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक जोड़ने की इस पूरी कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए बड़े कार्य योजना के साथ काम कर रहे हैं। फर्रुखाबाद आने वाले समय में कानपुर की तर्ज पर एक आधुनिक जनपद बनने की ओर तेजी के साथ अग्रसर होगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बहनों भाइयों, ये जनपद ने, जिस जनपद ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी जैसे सपूत दिए हो, जिनका जीवन राष्ट्रवाद के लिए समर्पित था, और आप सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के चीर हरण के दृश्य को बेनकाब करने वाला कोई एक भारत मां का लाल था, तो वह थे इसी धरती के सपूत स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी। उन लोगों ने उस समय समाजवादी पार्टी के उन षड्यंत्रों को पूरी तरह दूर करते हुए एक आह्वान किया था, राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए, अपराधीकरण समाप्त होना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं आभारी हूं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रदेश की जनता जनार्दन का, कि हम लोगों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को आज ऐसा बना के रख दिया है कि पूरे देश के अंदर कानून का राज के बारे में जब चर्चा होती है तो उत्तर प्रदेश की सब लोग चर्चा करते हैं। बेटी सुरक्षित हो जाए, व्यापारी सुरक्षित हो जाए, अन्नदाता किसान खुशहाल हो जाए और युवा अपने पैरों पर खड़ा होकर के स्वावलंबन का जीवन जीने लग जाए, तो विकास इसी प्रकार से सरपट दौड़ता हुआ दिखाई देता है जैसे आज उत्तर प्रदेश के अंदर है। आखिर यही उत्तर प्रदेश था, 2017 के पहले बीमारू राज्य कहलाता था। लोग ये मानते थे कि देश के विकास का सबसे बड़ा बाधक है यूपी, लोग ये मानते थे यूपी तो ब्रेकर है, लेकिन हमने उसी ब्रेकर को दुरुस्त करते हुए देश का ब्रेक थ्रू बना दिया, डेवलपमेंट का ब्रेक थ्रू बनकर के आज ग्रोथ इंजन के रूप में यूपी काम कर रहा है। और यूपी कानून व्यवस्था के मामले में ही नहीं, अपने अन्नदाता किसानों के लिए भी बेहतरीन सुविधा देने वाला राज्य बनकर के उभरा है। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के बारे में पहले कौन चर्चा करता था, यूपी के बारे में यहां जाति की चर्चा होती थी,
मत और मजहब की चर्चा होती थी, विकास की चर्चा नहीं होती थी, किसान की चर्चा नहीं होती थी, युवा की चर्चा नहीं होती थी, महिलाओं की चर्चा नहीं होती थी, धामों की चर्चा नहीं होती थी, आस्था की चर्चा नहीं होती थी। आज तो विकास की योजना का लाभ हर एक गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सबको समान रूप से प्राप्त हो रही है। कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में 7 वर्ष में डबल इंजन की सरकार 56 लाख गरीब को सिर ढकने के लिए छत दे दे, एक एक मकान दे दे, आज यूपी के अंदर 7 वर्ष के अंदर मात्र एक कार्य पूरा करके दिखाया गया। कोई सोचता था गरीब के घर में शौचालय बने, आज 3 करोड़ गरीब के घर में शौचालय बन गए। कोई सोचता था गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा, हम लोगों ने 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान के कार्ड प्रदेश के अंदर जारी कर दिए हैं, 5 करोड़ औरों को देने की तैयारी चल रही है। और अभी तो उत्तर प्रदेश में एक फैमिली आईडी कार्ड जारी हम करने जा रहे हैं। ये फैमिली आईडी कार्ड जिस परिवार के पास आवास नहीं होगा उसको आवास देगा, जिसके पास शौचालय नहीं होगा शौचालय देगा, जिसके पास 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं है उसको वह सुविधा दी जाएगी, जिसको पेंशन नहीं मिलती उसको पेंशन देंगे, जिसके पास राशन कार्ड नहीं होगा एक कार्ड से उसका सारा कार्य हो जाएगा, और जिसके पास रोजगार नहीं होगा उसको रोजगार भी देने का कार्य फैमिली आईडी उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, कोई सोचता था उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में इतने भारी पैमाने पर निवेश आएगा, 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव और उसका पहले चरण में ही 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से अभी इसी फरवरी माह में रखा गया है, पहले रखा जा चुका है। यानी इतने बड़े पैमाने पर निवेश के प्रस्ताव का मतलब 35 लाख नौजवानों को नौकरी तत्काल उपलब्ध होगी, और 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव जिस दिन जमीनी धरातल पर उतरेंगे, 1 करोड़ 10 लाख से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिलेगी। हमारा यूपी का नौजवान अब यूपी से बाहर नहीं जाएगा, बल्कि बाहर का व्यक्ति नौकरी ढूंढने के लिए यूपी में आएगा। और आपके लिए गंगा एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अब नोएडा की तर्ज पर नया शहर जो विकसित होने जा रहा है वह कानपुर और बुंदेलखंड के बीच में, झांसी के बीच में हो रहा है। आपकी कनेक्टिविटी बेहतर बन सके इसके लिए, फरुखाबाद वंचित न रह सके इसके लिए भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये विकास भी है और विरासत का संरक्षण भी है। कोई सोचता था बाबा नीम करोली की कोई बात करेगा, कोई सोचता था कि संकिसा की चर्चा कोई करेगा, यहां तो विवाद खड़ा किया जाता था, आज विवाद शांत हुआ है, समाधान हुआ है। हम समस्या पर नहीं समाधान पर विश्वास करते हैं और उसी समाधान के लिए को लेकर के भी आते हैं। हमारा यह मानना सरकार समस्या नहीं हो सकती, सरकार समाधान का नाम हो सकता है और हर हाल में समस्या का समाधान करना सरकार का काम होना चाहिए। इसके लिए डायलॉग हो, हम उसका माध्यम उसको अपनाते हैं, जो भी तरीके अपनाए जा सकते हैं उन तरीकों को अपना करके जनता जनार्दन की समस्या का समाधान करेंगे, उसको हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य करेंगे। और उसी समाधान के नाम का परिणाम है आज अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। मुझे 7 तारीख को आना था और 7 मार्च को जब आने का कार्यक्रम बन रहा था, क्योंकि मुझे लगता था कहीं ऐसा ना हो कि 10 तारीख तक आचार संहिता लागू हो जाए, तो मुझे मुकेश राजपूत जी ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बताया कि नहीं नहीं अभी तो जो है यहाँ पे जो है हम वहाँ अयोध्या धाम जा रहे हैं। तो मैंने कहा भी अयोध्या धाम बहुत आवश्यक है, 500 वर्षों का इंतजार करने के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान हुए, अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से सब पवित्र कार्यक्रम संपन्न हुआ है और अयोध्या धाम जरूर जाना चाहिए। मैं उसके बाद बनाता हूँ कार्यक्रम
और आज भाइयों बहनों, आज एक सप्ताह के अंदर ही मैं आपके पास आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि फर्रुखाबाद के लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ अयोध्या धाम का दर्शन करके आ गए। आपने नई अयोध्या देखी होगी, यही अंतर है। जब गलत लोग सत्ता में आते हैं